गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि टफ पार्ट 23 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अप टू 22 तक डिस्कस किया है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएंगे, और जितने भी दिए गए हैं टफ पार्ट सब आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इनके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं। इंटेस्टेट क्या होता है, जो कि टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, जिसको अपनी बिना मर्जी से मर जाना, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टेट। ए पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, जो कि आप जानते हैं अप्रेंटिस वो पर्सन है जो कि एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी न किसी के अंडर में काम करता है, उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। अगला दोस्तों, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, जिसको हम कहते हैं एथियोलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको, एथियोलाइट क्या होता है। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इनअवॉइटेबल कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट वो इंसान है, वन हु इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बस वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है, वो अल्ट्रुइस्ट है। अब बात आता है अल्ट्रुइस्ट की जगह ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक कह सकते हो, जो कि खुद के बारे में सेल्फिश इंसान होता है, जो कि अपोजिट है दोस्तों। अगला आप जानते हैं जुवेनाइल, यानी सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन्स, जो कि जुवेनाइल एटीट्यूड सिर्फ यंग पर्सन्स में आपको देखने को मिलेगा। ईवस्ड्रॉपर क्या है, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्जेशन, जो दूसरों की प्राइवेट कन्वर्जेशन सुनता है उसको हम ईवस्ड्रॉपर कहते हैं दोस्तों। वो बस जो कि आप जो भी डिटेक्टिव्स होते हैं दूसरों के बारे में वो सुनते रहते हैं। इनप्टनेस यानी जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई कला नहीं, लैक ऑफ स्किल, इनप्टनेस कहते हैं दोस्तों। स्टिक विथ ए थिक एंड यूज्ड इन ए मोटर फॉर पाउंडिंग क्या है, पेस्टल कहते हैं दोस्तों, जो कि उसी का है, ग्राइंडर भी कह सकते हो। एक ऐसा स्टिक है विथ ए थिक एंड यूज्ड इन ए मोटर फॉर पाउंडिंग। रेफरेंडम एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर दैन वोटिंग फॉर ए पर्सन, जिसको हम रेफरेंडम कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, सोपोरिफिक यानी द ड्रग दैट कॉजेस पीपल टू स्लीप ईजीली, ऐसा ड्रग है जो लेने के बाद आपको नींद आपको देखने को मिलेगा। एस्थेटिक यानी द ब्रांच ऑफ फिलासफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एस्पेशली इन आर्ट्स, ऐसा एक ब्रांच ऑफ फिलासफी है जो कि स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी देखने को मिलेगा एस्पेशली इन आर्ट में। ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, उसको हम कहते हैं टार्टर, एक जो कि रफ है, वायलेंट है, ट्रबलसम पर्सन, उसको टार्टर कहते हैं दोस्तों। ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवेलरस मैन, हम लोग गैलेंट कहते हैं दोस्तों। ऑब्सेशन विद द बुक्स, बिब्लियोमानिया, जो कि किताबों से काफ़ी नफरत करते हैं। अगला देखिए, ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जो कि लार्ज बॉडी है दोस्तों, पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सोलम्न रिलीजियस एक्ट्स, उसको हम राइट्स कहते हैं, जो कि सोलम्न रिलीजियस एक्ट्स को। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जो कि अवॉइडेबल कह सकते हैं उसको हम, दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेबल उसको इनअवॉइटेबल। कंपोजिटर यानी वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर्स, जिसको हम कहते हैं कंपोजिटर। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, जो कि नींद आपको देखने को मिलेगा, सपोरिफिक कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी होता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता है। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, खुद की अपनी सिस्टर को जो इंसान मारता है उसको सरोरिसाइड कहते हैं। पापा को जो मारता है वो आप जानते हैं, मम्मा को मैट्रिसाइड कहते हैं, पापा को पैट्रिसाइड कहते हैं, इस तरह का आपको पता होना ज़रूरी है। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आउटला कहते हैं
फोर्जरी यानी फॉल्सिफाइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर कर दे देना। एक्सपिएट यानी टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, उसको हम एक्सपिएट कहते हैं दोस्तों। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यू कैन इवन जॉइन ऑन डिफेंस ICTA, मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन गिवन। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू व्हाट एवर द प्लेलिस्ट हैज बीन गिवन। अगला देखिए दोस्तों, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, जो कि रिवेंज लेता है, मर्डर करता है, उसको हम वेंडेटा कहते हैं। अगला देखिए ब्रिटल यानी द थिंग दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो कि कांच है, ग्लास वगैरह, ब्रिटलनेस आप देख सकते हो। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन को हम लोग कहते हैं नॉन एंटिटी, जो कि कोई वैल्यू नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, जो कि इरेडिकेशन होता है, एपिडेमिक आप जानते हैं, ए डिसीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। इस तरह का आप करोना एक एपिडेमिक डिसीज कह सकते हैं। ओयासिस क्या है? ए शार्डी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट को हम लोग ओयासिस कहते हैं दोस्तों। इस्तुमस यानी ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, जिसको हम इस्तुमस कहते हैं। प्रेडेटर यानी एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स पे निर्भर करता है उसको प्रेडेटर कहते हैं। ओलिगार्की यानी गवर्नमेंट आर रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रूल करता है दोस्तों। पैल्पेबल यानी थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जो कि पैल्पेबल है दोस्तों, जो कि टच करता है, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल हार्डवेयर डिवाइसेस कह सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जो कि अपनी हरकतों में आप देख सकते हो, उनकी जो भी हरकतें हैं वो बस औरत की तरह आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप एक करण जौहर है, जो कि लड़कियों की तरह बिहेव करता है, उसको हम एफेमिनेट कह सकते हैं। वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, वो इंसान है जो कि एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन जो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम प्रोजीलाइट कहते हैं दोस्तों। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स, जिसको हम बोटिक कहते हैं। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, जो कि इंटरलूड होता है दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम है। ए पर्सन पेक्यूलर हैबिट, इडियोसिंक्रेसी होता है, जो कि उस इंसान के अंदर पेक्यूलर हैबिट देखने को मिलेगा। अगला ये ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, जो कि सॉजर्न होता है। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जो कि स्टॉइक होता है दोस्तों। हलुसिनोजन, जो कि ए ड्रग दैट मेक्स वन सीज थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, जो है वो नहीं है, वो हलुसिनोजन होता है, वैसे ड्रग है जो लेने के बाद आपको बस सर घूमता रहता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ यानी रिप्रीव होता है। अल्ट्रुइज्म यानी द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबोव वंस ओन, खुद की मतलब खुद से ज़्यादा दूसरों की कदर करने वाला इंसान को अल्ट्रुइज्म कहते हैं दोस्तों। एसेंट्रिक यानी ए मैन विद द अबनॉर्मल हैबिट्स को एसेंट्रिक कहते हैं। हाइपोथेसिस यानी प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टोइसिज्म यानी इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी एनी मॉर्बिड ड्रेड ऑफ वाटर कह सकते हो। रेनोवेट करना द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, जिसको हम रेनोवेशन कह सकते हैं। अगला देखिए करोनेशन क्या होता है। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए सॉवरिन, जिसको हम करोनेशन कहते हैं दोस्तों। सैक्रिलेज यहाँ पे वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ ए सेक्रेट प्लेस को सैक्रिलेज कहते हैं। यहाँ स्नॉब देखिए, वन हु टेंड्स टू पैटर्नाइज रिबफ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर्स एंड इमिटेट्स एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपरवाइजर, जिसको हम स्नॉब कहते हैं दोस्तों। चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन को हम लोग कहते हैं फोरमैन। अब फ्यूड वो चीज़ है जो कि बिटर क्वारल होता है टू फैमिलीज के बीच में फॉर द लॉन्ग टाइम, आप देख सकते हो, उसको हम फ्यूड कहते हैं दोस्तों। अब बात आता है इनवर्टिब्रेट्स, जो कि जिनके अंदर बैकबोन नहीं है, वो सब इनवर्टिब्रेट्स है दोस्तों। एम्बेजलमेंट यानी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी को उधर इधर घोटाला कर देना, एम्बेजलमेंट कर देना। रेडिएशन यानी एमिशन ऑफ लाइट और
हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट को रेडिएशन कहते हैं. इन्फ्लामेटरी आप जानते हैं, एक्शन दैट इज़ लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, जो कि इन्फ्लामेटरी होता है. अब बात आता है ये न्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि कार्टून आप देख सकते हो, ऐसा ड्राइंग होता है जो कि लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीनिंग आपको देखने को मिलेगा. अब सबसे बढ़िया कार्टूनिस्ट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंडिया में कौन है. एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, जो कि यूथनेशिया होता है, जो कि आप जानते हैं जिसको अगर कोई पैरालिसिस हो गया उनको अपनी इच्छा अनुसार उनको मार देते हैं, उनकी विलिंग की विलिंगनेस लेते हुए. अब बात आता है ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड वंस कंट्री, जो कि दूसरा एक ऐसा इंसान है जो कि आउटसाइड वंस कंट्रीज रहता है, उसको हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं. कॉन्ट्रोवर्शियल यानी ए पर्सन हु लाइक्स टू डिसएग्री विथ अदर पीपल एंड से थिंग्स दैट मेक पीपल एंग्री और थिंग्स अबाउट अ सब्जेक्ट, जिसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल कहते हैं दोस्तों. ग्रॉसली एग्जैगरेटेड स्पीच, जो कि हाइपरबोल होता है, काफ़ी एग्जैगरेटेड होता है, उकसाने वाली स्पीच कह सकते हैं. विवेशियस यानी लाइवली और हाईली स्पिरिटेड को हम लोग विवेशियस कह सकते हैं. डायलेटेंट वन हु डज और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस, जो कि उन्होंने विदाउट सीरियसनेस से काम किया, उसको हम डायलेटेंटी कहते हैं. नार्सिसिस्ट वन हु हैज़ एन ओवर एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, जिसको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं दोस्तों. पैटेंट यानी सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, जिसको हम पैटेंट कहते हैं, जो कि उनके अंदर ऐसा एक अधिकार होता है जो कि इन्वेंशन करने के बाद वो पूरा का पूरा हक, आप उस पैटेंट देख सकते हो उनके पास. अब बात आता है सेंटेनेरियन यानी वन हु लिव्स फॉर मोर दैन ए 100 ईयर्स, 100 साल से ज़्यादा जीने वाला, उसको हम सेंटेनेरियन कहते हैं. सडन एंड वायलेंट चेंज को हम लोग कैटाक्लिज्म कहते हैं. स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीजेस को हम लोग रेनोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों. अब बात आता है गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, जो कि एफरविज है. अब बात आता है कैस्केड की, स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड कैस्केड कहते हैं दोस्तों. एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, जिसको हम मिराज कहते हैं, जो कि पानी की तरह आप देख सकते हो डेजर्ट के अंदर. जब भी आप इस तरह का सिचुएशन देखते हैं रोड के ऊपर या डेजर्ट में. अब बात आता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, जो कि पायरोटेक्निक्स कहते हैं. ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोलर बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं दोस्तों. वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं. सबपोनिया यानी एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, जिसको हम सबपोनिया कहते हैं. सुडोनिम यानी एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, वो अपना एक ऐसा नाम दे देगा इमेजिनरी, तो वो दूसरों को मतलब गुमराह करने के लिए अपना एक पेन नेम देते हैं, सुडोनिम कहते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, जो कि वॉर के टाइम पे स्पाइस को एम्प्लॉय करते हैं, उस तरह का जो भी प्रोसेस है प्रैक्टिस है उसको एस्पियोनेज कहते हैं. जूरिसडिक्शन यानी ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, जहाँ पे अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है उसको हम जूरिसडिक्शन कहते हैं. होर्ड यानी टू सीक्रेटली स्टोर मोर दैन व्हाट इज़ अलाउड, जो कि होर्ड करना, जो कि आप जानते हैं सीक्रेटली स्टोर करते हैं, चाहे ग्रेनरी हो चाहे कोई भी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड है उस टाइम पे. हिस्ट्रियोनिक यानी वेरी ड्रामेटिक होता है काफ़ी. अब मेटाफोर यानी ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिसेम्बल्स, जिसको हम मेटाफोर कहते हैं दोस्तों. बजटिंग यानी द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और आर एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, जिसको हम बजटिंग कहते हैं दोस्तों. मैक्सिम क्या है, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जो कि मैक्सिम कहते हैं दोस्तों. गेरियाट्रिक्स यानी द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज, जिसको हम बूढ़े लोगों के बारे में डिस्कस करने वाली जेरियाट्रिक्स कहते हैं दोस्तों. प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1200 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगा, अलग अलग हमने बनाया गया है, आप देख सकते हैं. ए लाई डिटेक्टर जो टेस्ट होता है झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, उसको हम पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं. फोर फीट क्या होता है, सरेंडर करना,
समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी, खुद अपने आप को सरेंडर कर देना फोरफिट होता है दोस्तों। हेरजे यानी अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन को कहते हैं। फिलैंडर यानी वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, जो कि फिलैंडर होता है, ही इज़ अम्यूजेस इन मेकिंग लव। अब बात आता है एलिटरेशन, जो कि रिपीटेशन ऑफ ए साउंड विच एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोज और पोएट्री को हम एलिटरेशन कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए फास्टिडियस यानी हार्ड टू प्लीज बट क्विकली टू फाइंड फॉल्ट, जिसको हम फास्टिडियस कहते हैं। रेनफोर्समेंट यानी आस्किंग फॉर एडिशनल ट्रूप्स और सोल्जर्स को हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। स्प्लर्ज यानी टू स्पेंड मोर देन वन कैन यूजुअली ऑफर्ड, इसको हम स्प्लर्ज कहते हैं दोस्तों। हरेंगू यानी ए फोर्सफुल एंड अग्रेसिव स्पीच को हम हरेंगू कहते हैं। हेवी अननेचुरल स्लम्बर को हम लोग स्टुपोर कहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। जिनोफोबिया डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स को हम लोग कहते हैं, जो कि फॉरेनर्स को नफरत करते हैं। इनसरमाउंटेबल यानी दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हो, उसको इनसरमाउंटेबल कहते हैं। डार्डल यानी जैसे कि धीरे धीरे से वॉक करना, स्लोली, जैसे टाइम स्ट्रॉलिंग कह सकते हो, टाइम वेस्ट कर सकते हो। अब बात आता है ऑम्बड्समैन, वन हु इज़ अपॉइंटेड टू डील विद द कंप्लेंट्स मेड बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स कंपनीज। एक ऐसा एक डील है, वन हु इज़ अपॉइंटेड टू डील विद द कंप्लेंट्स मेड बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स एंड कंपनीज, को जो बीच में होता है वो ऑम्बड्समैन होता है, उस इंसान को जो कि अगेंस्ट बैंक अगर कोई भी केस ठोकेगा तो हेल्प करेगा। स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी दोस्तों। एटिमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स के बारे में। अब बात आता है एग्जोनरेट, जो कि फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को गिल्ट से या उससे फ्री करना, जैसे कि एग्जोनरेट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है इवन लाइफ डेथ सेंटेंस भी पूरा का पूरा माफ़ कर सकता है। पायनियर यानी वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो काम करता है वो पायनियर होता है। पोर्टेबल यानी जो दैट विच कैन बी ड्रंक, जो कि आप पानी पी सकते हैं। एसेटिक यानी द पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन को हम एसेटिक कहते हैं। ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, जो कि आल्ट्रुइस्ट दोस्तों, हर एक को, हर एक ही स्टार्ट लविंग, दैट इज़ आल्ट्रुइस्ट। और ये कुछ हमने डिस्कस किया गया है, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, एंड आई होप आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव ए लुक इन प्लेलिस्ट। हर इंसान को कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट नेचर सवाल है आप लोगों को काफ़ी दिक्कत करेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।